अरे भाई महिला को मंडल में जगह मिली है, आज का क्या मैसेज है? देखिए आज की जो शपथ ग्रहण है वो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ जी का सच्चा श्रद्धांजलि है, और हमें खुशी इस बात की है कि इस बात को तो हम लोग सभी लोग पहले से ही जानते थे कि उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को ये प्रभार दिया जाएगा, मगर मुझे अच्छी बात है कि उनकी पत्नी को मिला है। पत्नी अपने पुत्र के सहयोग से इस कामकाज को आगे बढ़ाएंगी, जगन्नाथ महतो दा का जो सपना था उसको आगे बढ़ाएंगे, और हम सभी इसका सहयोग उनके साथ बना रहे हैं। शिल्पी जी, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया, मिथिलेश ठाकुर गेट से वापस चले गए, गाड़ी में उनके प्रवक्ता थे उनको नहीं जाने दिया, ये कैसा सत्य? नहीं पता नहीं प्रोटोकॉल्स क्या था हमारे, तो हमें एक पास मिला हुआ था, वो पास हम लोग ने फ्लैश किया और हम लोगों को अंदर जाने दिया गया। बिल्कुल मीडिया कर्मियों के लिए भी एक कुछ प्रोटोकॉल बनाना चाहिए था, अब इसकी तो मुझे लगता है इसके बारे में जानकारी आपको राजभवन से ही मिल सकती है। बाकी हम सभी को मिल करके राज्य में वर्षा भी शुरू हो गया, रोपा डोबा में लग जाना चाहिए। दादा, यूसीसी कोर्ट पर मानसून सत्र में लाने का तैयारी है, क्या बोलेंगे आपको? अभी यूसीसी कोर्ट पर पहले जो भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी यूसीसी का प्रस्ताव लाई है तो आने दीजिए, उस प्रस्ताव को कम से कम पब्लिक डोमेन में आए तो जाएगा, क्या क्या उसका प्रस्ताव है नहीं है पहले अभी तुरंत बोलना हमको लगता है तुरंत जल्दीबाजी होगा। वो क्या प्रस्ताव स्टैंड ले रहा है विरोध में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी है तुम्हारा भारत देश हमारा विविधताओं का देश है, चीज़ों को समझने की जरूरत है, बाकी क्या प्रस्ताव लग रहा है उसी के अनुसार बोला जाएगा अलग अलग। यहाँ इसी राज्य को देख लो, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, पैसा कानून है पूरा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा अलग अलग जगह ये है पूरा, यहाँ इसी राज्य में कस्टमरी लॉ है, तो ये चीज़ें बाकी उनका जो प्रस्ताव क्या आता है उसी के बाद में उसको देखने के बाद में इसे विस्तार से बोला जाएगा। ये ऐसा शपथ ग्रहण हुआ, मीडिया को बाहर रखे, आपके मंत्री नाराज होकर वापस चले गए, ऐसा नहीं, नहीं इसके बारे में हमको मंत्री जी नाराज होकर गए इसके बारे में कोई ही नहीं है, पता नहीं लेकिन कैसे ऐसे हुआ, ये कहीं ऐसे तो होना नहीं चाहिए था कि मंत्री जी चले गए, लेकिन पता नहीं क्यों चले गए, ये बात तो है, हम तो थे नहीं उनके साथ, जो प्रवक्ता थे पार्टी के उनको कहा गया कि आप उतर जाइए, नहीं तो नहीं नहीं तो उसमें हो सकता है कि मंत्री जैसे कि सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्टेड किया, हमने कुछ खासी लोगों को बुलाया गया था, बारिश का दिन है, मीडिया ही बाहर हो गई तो पहला शपथ नहीं, नहीं मीडिया कहाँ बाहर, मीडिया सब लोग बाहर है दादा, पहले जितना भी कार्यक्रम हुआ राजभवन में हम लोग, नहीं नहीं आप बिल्कुल आप ये कह रहे हैं लेकिन किस परिस्थिति में मीडिया को रखा, हमको लगता है कि अधिकृत लोगों को, ये जो कांग्रेस के अंदर भी चल रहा था शपथ ग्रहण में हो सकता है कुछ रिशफलिंग होगा, अब आप लोग राहत की सांस ले रहे हैं? देखो शुरू से ही व्यक्तिगत हमको बोलेगा तो हम बहुत राहत की सांस में रहते हैं, बाकी हमारा कांग्रेस पार्टी में ये राष्ट्रीय पार्टी का निर्णय का सवाल है, जो निर्णय उनका निर्णय है, बाकी ये बहुत तो दिनों से ये आपका मंत्री जी का मामला था, जगन्नाथ महतो जी का, जगन्नाथ महतो जी JMM के बहुत सच्चे सिपाही थे, डुमरी के जनताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है पूरा, विश्वास है कि आने वाले दिन में बेबी देवी जी बेहतर काम करेंगे राज्य के लिए। अब देखिए आने वाला दिन पता चलेगा बहुत जल्द।